दूसरा, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उदो नहीं परत कही। अब दिया धार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी के विरहनी विरह दही। चाहती होती गवहारी जिते उत्ते दार वही। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा नहीं नही। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब श्री कृष्ण जी स्वयं ना आकर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज देते हैं, तब गोपियां कहते हैं कि मन की बात मन में ही रह गई। अपने मन की बात हम किससे कहें, किसको बताएं? अवधि आधार आस आवन की, हमें आस थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे। हमने तन मन से व्यथा सहरे, तन से मन से दुख को सहन किया। अब ये योग संदेश सुन सुन के हमारी विरह की अग्नि और बढ़ गई है। हम किससे गुहार लगाएं, किसको बताएं? सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां कह रही हैं कि अब हम ना हमारे में धैर्य रहा, ना ही हम धीरज बांध सकती हैं। माज मीन्स में, अवधि मीन्स समय, आस मीन्स आशा, आवन की मैंने आने की, व्यथा मीन्स दुख, सही मैंने सहना, संदेशनी मैंने संदेश, देही में जलना, गुहारी मैंने रक्षा के लिए पुकारना, जितते ही मैंने यहाँ से, उतते मैंने वहां से, धार मीन्स धारा, धीर मीन्स धैर्य, धरी मैंने धरना, मर्यादा मीन्स मर्यादा, ना लेही मैंने नहीं रही। अब सरलाभ देखिए इसका। श्री कृष्ण की विरह में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई, हमारे मन की जो सारी अभिलाषा है पूरी नहीं हो पाई है और मन में ही रह गई है। अब हम अपनी व्यथा किससे कहें, अपने मन की पीड़ा को किसके सामने जाकर व्यक्त करें? अब तक तो हमने श्री कृष्ण के मथुरा से आने की बात सोच रही थी, उनके आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी तथा इसलिए वह वेदना को सह रही थी। पर जब कृष्ण के स्थान पर तुम अपना योग संदेश लेकर आए, तो तुम्हारा योग संदेश सुन सुनकर हमारी वह वेदना और भी बढ़ गई है। हम तो पहले ही वह वेदना में जल रही थी, तुम्हारे योग संदेश ने वह अग्नि को और भड़का दिया। हे उद्धव, हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही हैं, उधर से ही योग साधना रूपी धारा वही चली आ रही है। अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें? अब मर्यादा में रहना संभव नहीं है। अब गद्यांश के पैराग्राफ्स देखिए, क्वेश्चन है, गोपियों की योग पीड़ा क्यों बढ़ गई है? गोपियों की योग पीड़ा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कृष्ण जी ने स्वयं ना आकर अपने मित्र उद्धव को उनके पास योग का संदेश लेकर भेज दिया। वे तो श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, योग संदेश सुनकर उनकी वह अग्नि और बढ़ गई। दूसरा क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? श्री कृष्ण ने प्रेम के मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रेम में एक दूसरे की भावना का सम्मान किया जाता है। गोपियां अपनी ओर से प्रेम की मर्यादा का पालन कर रही थी, जबकि कृष्ण ने योग का संदेश भिजवा कर उनके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तीसरा क्वेश्चन, गोपियां किस आशा पर विरह के कष्ट को सहन कर रही थी? गोपियां इस आशा पर विरह के कष्ट को सह रही थी कि एक ना एक दिन कृष्ण उनके पास अवश्य लौट आएंगे, तब उनका विरह समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा हो ना सका, उनके विरह का कष्ट और बढ़ गया। नेक्स्ट पद देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागर सोवत सपन दिवस निसी, काना काना जक रही, सुनत योग लागत है ऐसो ज्यो करी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए हैं, देखी सुनी ना करी, या है तो सूर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चक्री। हमारे हरि में श्री कृष्ण,
हारिन एक प्रकार का पक्षी है कि लकड़ी, और जो लकड़ी को पकड़े रहता है। मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंद नंदन किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। और मैंने हृदय में, हमने उस हृदय में उसको बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी और दृढ़ता से उसको पकड़ा हुआ है। सोवत जागत, सोते हुए, जागते हुए, सपने में, दिन में, रात में, काना काना जकरी, मैंने श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती है। सुनत योग लागत है ऐसो, ज्यों क्रई ककड़ी, सुना है योग ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि किसको कहा गया है? योग संदेश को। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। ये योग संदेश हमको ले आए हैं, देखी ना सुनी करी, नहीं कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सिर तिन पे ले सौंपो जिनके मन चक्री, ये सूरदास उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हरि श्री कृष्ण जी, हारिन क्या है? एक पक्षी जो पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। लकड़ी लकड़ी, नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए है। उर मैंने हृदय, पकड़ी मैंने पकड़ी हुई है, दिवस मीन दिन, निसी मीन रात, जकरी मैंने रगड़ा। सरलास देखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण उसी तरह है जैसे हारिन पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। हारिन पक्षी की यह विशेषता होती है कि वह एक लकड़ी को सहारा समझकर हर समय अपने पंजों में जकड़े रहता है, अर्थात पकड़े रहता है। अगर ये पहला क्वेश्चन, उसे कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को हृदय में अत्यंत दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम तो सोते जाते दिन रात कृष्ण कृष्ण नाम की रट लगाई रहती हैं। आपकी योग की बातें सुन सुनकर हमें ऐसा लगा जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात हमें आपका योग संदेश बहुत ही अरुचिकर लगा। हे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए जो हमने ना तो सुनी ना कभी देखी है। अतः हे उद्धव जी, अपना योग संदेश उन लोगों को जाकर सुनाइए जिनका हृदय चंचल हो, अर्थात स्थिर ना हो। हमारा हृदय तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, अतः हमारे लिए आपका योग संदेश बेकार है। प्रश्न नंबर एक देखिए, गोपियां अपने हरि को हारिन की लकड़ी क्यों कहती हैं? गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिन पक्षी की लकड़ी इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार हारिन अपने पंजों में एक लकड़ी को अपना आश्रय समझकर कभी नहीं छोड़ता, दिन रात उसे अपने पंजों में दबाए रहता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अत्यंत दृढ़ता से अपने हृदय में धारण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपियों को योग का उपदेश कैसा लगता है और क्यों? गोपियों को उद्धव ने जो ज्ञान एवं योग का जो संदेश दिया है वह उन्हें अरुचिकर लगा, उन्हें वह कड़वी ककड़ी के समान लगा। कारण यह है कि वे कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण के प्रेम में जो रस था वो उद्धव के योग संदेश में नहीं था, उसका अभाव था। अगला क्वेश्चन है, गोपियां किसे व्याधि मानती हैं और किसे सौंपने का परामर्श देती हैं? गोपियां उद्धव के योग संदेश को एक व्याधि अर्थात बीमारी मानती है। उनके अनुसार उद्धव का संदेश ऐसी बीमारी लगा जो उन्होंने ना तो कभी देखी थी और ना ही सुनी। उन्होंने उद्धव से कहा कि वे अपना योग संदेश उन लोगों को सुनाए जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात चंचल है। धन्यवाद।